जो होते हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या बताया जाता है, उसमें आपको बताया जाता है कि एग्जैक्टली कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है, ठीक है। हाँ, सिर्फ पैसा नहीं बच्चे, पैसा के अलावा भी बहुत कुछ ऑफर करता है कंपनी, ठीक है। कंपनी आपको क्या क्या ऑफर करती है, कि उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, आपका जो पर्सनल ग्रोथ है वो कंपनी के ग्रोथ के साथ कैसे होगा, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखे जाएंगे, ठीक है, कितने एक्सपेक्टेशंस रखे जाएंगे, कि इस सीमित पर आपको कितना, मतलब जैसे आप फ्रेशर हैं तो आपसे इतना ही एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि आपकी बेसिक्स क्लियर हो, उसके आगे आपको लर्निंग कैपेसिटी हो कि आप आगे जाके कुछ भी वो जो सिखाएं वो आप लर्न कर सकें। सो दिस इज योर बेसिक एक्सपेक्टेशन। और एग्जैक्टली कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे आप कॉलेज में अगर जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एलुमनाई को बुलाया जाता है ना, कि पुराने स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो सिमिलरली आप जब किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो आपका सबसे अच्छा रेफरेंस क्या होता है, कि जो वहाँ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे वो आकर, ठीक है। तो दिस इज वॉट एग्जैक्टली इज द ब्रीफ ऑफ वॉट एग्जैक्टली प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग होता है वहाँ पर। प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग का मतलब प्री प्लेसमेंट टॉक में आपको एग्जैक्टली बस इतना बताया जाता है कि कंपनी में कैसा काम होता है, कंपनी से काम करके आपको क्या मुनाफा होगा, आपका पर्सनल ग्रोथ कितना होगा, आप कंपनी को क्या दे सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके उनसे, बस इतना ही चीज आपको बताया जाता है। बस एक्सप्लेन किया जाता है एग्जैक्टली कि आपको काम अगर करना है हमारी कंपनी में तो हमारी कंपनी सबसे बेस्ट है। दैट इज द एग्जैक्ट ब्रीफ ऑफ दैट। मीन्स मैम, इन शॉर्ट बोले तो नॉलेज दे के फुसलाया जाता है। नहीं, नॉलेज देके फुसलाया नहीं जाता, दे आर टेलिंग द फैक्ट्स कि एग्जैक्टली आपके कंपनी में कैसा काम होता है, ठीक है, वो तो आपको जानना जरूरी है ना। आप मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में आप आगे भी जॉब खोजेंगे तो आप ऑब्वियसली खुद से भी सर्च करेंगे कि कंपनी क्या टर्न उसका क्या टर्न अराउंड है ईयरली, क्या आपका फ्रेशर्स का क्या एक्सपीरियंस है वहां पर। अच्छा हाँ, टर्न अराउंड एक ईयर का कितना उसका रहता है, ये सारा चीजें वो बताएंगे भी आपको, ये चीजें आप सर्च करते हैं। बट एक होता है ना कि आप एक ट्रस्टेड सोर्स से अगर ये सुनते हैं, जो ऑलरेडी बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनसे अगर आप सुनते हैं तो इट इज बेटर कि आप जानते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो सही हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली बस आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं। अगर आपको कोई चीज गूगल में नहीं मिल रही है, या बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, मुझे भी पता है इस क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बिना की रिसर्च किए बस विप्रो का नाम सुना है तो उन्होंने फॉर्म भर दिया। कितने बच्चे हैं हैंड रेस करो तो, जिन्होंने बिना बिना विप्रो का रिसर्च किए फॉर्म भरा है। हाँ, देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड, बहुत बच्चे ऐसे हैं, बिकॉज एक तो विप्रो का नाम बहुत है, ठीक है, इवन इफ यू डू नॉट सर्च यू नो कि उसका जो एक प्रोफेशनल इमेज है मार्केट में वो बहुत अच्छा है, तो आपको इतना नाम उसने आपने सुना है उतना नाम उसका, तो आपको उतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता है ना कि फैक्ट्स बता देने से आपको पता रहता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अभी आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के बारे में आपको अगर कोई पूछेगा कि मान लीजिए कोई एक फ्रेशर है जो पास आउट है 12th से, उसको कोई कोर्स करना है आपके कॉलेज में, कोई कोर्स करना है उसको, तो वो पूछेगा ना कि ये कोर्स होता है कि नहीं, इतना कोर्स होता है। तो जो आप जहाँ पर रह रहे हैं वहां पर लोगों को इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लगता है कि हाँ आप काम कर रहे हैं, तो यू आर ट्रस्टेड सोर्स फॉर देम। तो एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है कि आपको बस बताया जाता है कि हम मेरा यहाँ एक्सपीरियंस था, जो भी वहां पर आएगा एचआर आएगा, चाहे कोई भी एक डिपार्टमेंट हेड आएगा, वो आपको यही बताएगा कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है विप्रो में काम करके, ठीक है। ओके, क्या हुआ बच्चे, एनी डाउट? अच्छा, रेज्यूमे और बायोडाटा में अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मुझे दो तीन बच्चों ने मैसेज किया है एंड देयर वन लाइक देयर सेंडिंग रेज्यूमे एंड बायोडाटा, और बोल रहे हैं कि दोनों में से कौन सही है। आई एम टेलिंग यू कि बायोडाटा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ यस।
यस, सो एज आई वाज सेइंग कि आपका जो रिज्यूमे और बायोडाटा होता है उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि बायोडाटा में आपका जो पर्सनल डिटेल्स है उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है? आपका हाँ, जो प्रोफेशनल बायोडाटा में प्रोफेशनल चीजें बहुत शॉर्ट में होती हैं और बहुत नीचे लिखी जाती हैं, ठीक है? आपका दैट्स नॉट नेसेसरीली, बट क्योंकि आई डोंट नो, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट, बट इफ यू हैव नॉलेज देन इट्स ओके. बट बायोडाटा आपका बेसिकली इसलिए मांगा जाता है जब आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो फॉर्म्स भरे जाते हैं उसमें बायोडाटा रहता है. लाइक देर आर थ्री फोर सेक्शंस, वन सेक्शन इज होली डिनोटेड फॉर योर बायोडाटा एंड अदर सेक्शंस आर फॉर योर क्वालिफिकेशन. तो उनको जरूरत होती है कि आपका पूरा मैरिटल स्टेटस जानना है कि शादीशुदा है या नहीं है, बिकॉज दे हैव स्कीम्स फॉर दैट, राइट? कि इफ यू आर मैरिड तो देर आर अदर स्कीम्स, इफ यू आर नॉट मैरिड देन देर आर अदर स्कीम्स, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर, इफ यू आर लाइक वर्किंग फॉर समवन राइट नाउ तो उसके लिए अलग स्कीम है, अगर आप एक्स आर्मी ऑफिसर हैं तो उसके लिए अलग स्कीम. वो सारी चीजें उनके लिए जाने की जरूरत है. जो प्राइवेट सेक्टर है वो ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता. यू आर जस्ट अप्लाइंग, यू आर क्वालिफाइड, दैट्स इनफ फॉर देम, ठीक है? तो उनको बायोडाटा आपका नहीं चाहिए, उनको आपका रिज्यूमे चाहिए या सीवी चाहिए. इफ यू हैव एक्सपीरियंस तो आप सीवी लिखेंगे इसके बाद से, इफ यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, प्रेशर है तो ऑब्वियसली रिज्यूमे लिखेंगे, ठीक है? उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आप जब भी कोई भी फॉर्मेट बना रहे हैं, एंड वन मोर थिंग, आप जब फोटो लगाते हैं, अगर आप फोटो लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो आप फोटो लगाए बिकॉज जनरली आजकल सारे रेज्यूमे में फोटो मतलब लगा देना फॉर्मेट हो जाता है, एक वो फॉर्मेट बना दिया गया है जिसमें उसमें नाम फोटो लगा रहता है, उसके नीचे नाम लिखते हैं. तो फोटो के नीचे अगर आप नाम लिखते हैं तो बोल्ड में लिखिए, ठीक है बच्चे? बगल में इधर लिखेंगे ना तो आपको उसमें वो बोल्ड हो जाएगा, उसके नीचे फिर क्वालिफिकेशंस वगैरह आ जाएंगी. इससे बेटर है कि आप अगर इधर लिखेंगे फोटो के नीचे, नाम आएगा साथ में, एड्रेस आएगा, कॉन्टैक्ट्स जितने भी डिटेल्स हैं आपके वो साथ में आ जाएंगे. नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल साथ में रहने से क्या होता है कि इफ दे आर मेकिंग अ शॉर्ट नोट्स, आपका रिज्यूमे जब छटता है, आपका रेज्यूमे जब वो लोग छाटते हैं पूरा लिस्ट से, ठीक है, तो सबसे पहले वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखते हैं कि अगर ये रेज्यूमे से उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि इन लोगों को लेना है, तो वो सबसे पहले क्या देखेंगे, वो देखेंगे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स. तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ नाम रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में. वो नाम के साथ लिख देंगे कि हाँ ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, या नाम के साथ फोन नंबर लिख देंगे, नाम के साथ ईमेल लिख देंगे. तो इट इज बेटर कि आप उसमें फोटो के नीचे नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स साथ में लिखें, ठीक है? अभी के लिए नहीं बता रही, अभी जिसने जैसा दे दिया डजंट मैटर, बट बाद के लिए आप अगर फोटो लिखेंगे, फोटो लगाएंगे, फोटो के नीचे आप कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ नाम लिखिएगा. मैम अभी जैसे दे दिए हैं वैसे आ जाएगा नाम लोग का रिज्यूमे मतलब? हाँ बच्चे, मैंने जिन्होंने मुझे चेक करवाया है वो लोग का सब में मैंने करेक्शन करा दिया जितना करेक्शन चाहिए था. जरूरी नहीं है कि आपको मतलब सारा चीज करेक्ट ही करना है. आप अभी फ्रेशर हैं, एक दो चीजें इधर उधर होती हैं तो दे डोंट माइंड. उनको बस ये है कि आसानी से आपको जो भी डिटेल्स हैं आपकी वो हाईलाइट रहे, ठीक है? आपके क्वालिफिकेशंस हो गए, आपका नाम हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गए, ये सारी चीजें आपका रहे उसमें. हाँ तो बस और कोई जरूरत नहीं है, उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है. देखिए एक दो बार में नहीं होता ना, आप अगर इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो इंटरव्यू में जो नर्वसनेस होती है ना वो एक बार में भी नहीं जाती. आप दो तीन बार देंगे, भला करे कि आपका एक ही बार में हो जाए, बट अगर नहीं होता है देन डोंट बी डिमोरलाइज, ठीक है? आप उसके बाद दो तीन बार जब देंगे ना आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ओके, अब मुझे ये बताइए कि इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन में किसी को कोई डाउट है? यस, every interview that starts with this question, introduce yourself, tell me something about yourself, yahi question ko round round ghuma ke wo teen char format mein puchega, but sabse pehla sawal yahi rahega to tell them about yourself. Ma'am, iska perfect answer kya hoga? Perfect answer bacche iska koi nahi hota hai, because every answer depends on individual person, theek hai? पॉइंट आपका देखिए क्या क्या कवर होना चाहिए. अगर देखिए इसमें क्योंकि कैंपस इंटरव्यू है
बहुत सारे स्टूडेंट का एक साथ इनको लेना है तो ये ज्यादा नहीं। हाँ अरे मतलब उनका एक बार करके लेना है ना, उनके पास दिन भर पूरा टाइम है, दिन भर में उनको खत्म करना है, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो दे आर नॉट लाइक उनके माइंड में ये नहीं बैठा है कि आप उसको पूरा मतलब रिसोर्स क्या है क्या नहीं है आपके बारे में पूरा वो जाने, आपके बारे में बस वो इतना जानना चाहते हैं कि यू आर बेस्ट कैंडिडेट टू लर्न फ्रॉम देम एंड वर्क फॉर देम। ठीक है, आपका वर्क एथिक कैसा है ये चीज उनको देखना है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप इंट्रोडक्शन में जब भी करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में पर्सनल डिटेल्स ज्यादा मत डालिए। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स नहीं डालेंगे, क्वालिफिकेशंस डालेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन वगैरह जो है या फिर प्रोफेशनल स्किल्स अगर आप डाल रहे हैं, ठीक है, वो जल्दी खत्म हो जा रहा है, ठीक है, आप मतलब एक मिनट पूरा नहीं बोल पा रहे हैं उसमें, तब आप पर्सनल डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, और पर्सनल डिटेल में वही फैमिली बैकग्राउंड उतना काफी है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, कितने सिबलिंग्स हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, दैट इज एनफ फॉर योर पर्सनल डिटेल्स। क्वालिफिकेशन में क्या क्या डालेंगे, मान लीजिए कि आपका अगर, हाँ वो सब तो आएगा ही ऑब्वियसली, क्वालिफिकेशन जो है तो आपका 10th का, 12th का और बैचलर्स डिग्री का, ये तीनों चीजें तो आप क्वालिफिकेशन में हमेशा ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके आगे आप क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो वो चीजें मांगते हैं, रिक्वायरमेंट करते हैं, वो स्किल्स आप रिज्यूमे में देखते हैं, तो वो रिज्यूमे में जो स्किल्स हैं उनके फॉर्म, उस स्किल सेट को लेके आप सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर वो हार्ड वर्किंग खोज रहे हैं तो आपको ये नहीं बोलना है कि आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, नहीं, आपको कुछ ऐसा सिनेरियो बताना है अपने बारे में जिनको, जिसको सुनकर उनको खुद पता चल जाए कि यू आर ए हार्ड वर्किंग पर्सन। जैसे कि इफ आई एम, यस इट इज बेटर, बिकॉज अगर आप उनको प्रूफ दे रहे हैं बार बार ये कहने से कि आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम हार्ड वर्किंग, इट इज बेटर कि आप उनको प्रूफ दे कि यस आई एम हार्ड वर्किंग, राइट। अगर मान लीजिए आप पंक्चुअलिटी के ऊपर बोलना चाहते हैं कि आई एम वेरी पंक्चुअल, तो इससे बेटर आप क्या बोलेंगे, आई हैव अटेंडेड ऑल माई क्लास एंड फंक्शंस ऑन टाइम, राइट, आई हैव सबमिटेड ऑल माई असाइनमेंट्स ऑन टाइम, राइट, यही पंक्चुअलिटी का डेफिनेशन है। तो ये चीज आप इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए और कोई स्किल सेट बताइए, आप असाइनमेंट्स जितने भी हैं वो सारे टाइम पे कर रहे हैं, आप क्लासेस के लिए टाइम पे आ रहे हैं, यस यू आर अ टीम वर्क। ठीक है, आप इसमें बता सकते हैं कि यस लीडरशिप क्वालिटी है, तो उसके लिए क्या बताएंगे, दैट लाइक आप से आप ऐसा कर लीजिए कि कोई फंक्शन हुआ था, ठीक है, इफ यू हैव हेल्प ऑर्गेनाइज द टीचर्स, राइट, आपने हेल्प ऑर्गेनाइज का ये मतलब नहीं कि आप टीचर के पीछे दौड़ रहे हैं, आपने क्या किया है, आपने सिर्फ लिस्ट बना दिया है कि टीचर ने क्लास में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो टीचर को दे दिया, दैट इज इवन इनफ। ठीक है, आपका उतना भी कॉर्पोरेशन ना टीचर के लिए बहुत आसान होता है करने के लिए काम, तो वो चीज भी आपको डिटेल में बताने की थोड़ी जरूरत है कि आपने ये काम किया, आप क्या बोलेंगे, आई हैव हेल्प माय टीचर्स टू ऑर्गेनाइज दिस फंक्शन। ठीक है, आई हैव डन दिस, वो पूरा पूरा डिटेल नहीं बताने की जरूरत है, बस आप ये बता दीजिए कि आपने हेल्प किया है अपने टीचर को एक फंक्शन के लिए, या फिर मान लीजिए कि अगर आपका कोई ऐसा असाइनमेंट था जो आपको ग्रुप में करना था, तो उसमें आप बता सकते हैं कि व्हाट पार्ट यू प्लेड, जरूरी नहीं है कि आप टीम लीडर ही हो, आप टीम मेंबर भी हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पॉइंट। ठीक है, हर कोई तो टीम मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन टीम के साथ करना भी, काम करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो आप अगर टीम मेंबर भी रहे हो तो ये चीज भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, एनी मोर डाउट इन दैट? हां बोलिए। Yes, why have you choose our company, right? ये question भी आपका बहुत common HR question है जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये question में आप क्या कहेंगे कि why you have chosen, तो एक reason ये होता है, देखिए जिसने research किया है उसको पता है कि company का क्या मतलब background feature है। आज जो pre-talk होगा, ठीक है, pre-recruitment talk होगा, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप company के बारे में जानेंगे। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को आप इस आंसर के लिए यूज कर सकते हैं, जो ये आंसर है कि व्हाई हैव यू चोजन आवर कंपनी फॉर वर्किंग या फिर फॉर जॉब, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें
वो पूरा जो डाटा देंगे आपको कि हमारी कंपनी ये प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है, वो सारा चीज बताएंगे। वो डाटा आप कलेक्ट करेंगे, वो इस आंसर के लिए यूज करेंगे कि विप्रो प्रोवाइड दिस दिस थिंग्स एंड आई वांटेड दैट एनवायरनमेंट, आई वांटेड दैट सराउंडिंग टू वर्क इन, राइट। इस तरह से यू हैव टू टेल कि एग्जैक्टली व्हाट यू वर्क। ये जो आंसर होता है ना, यस कमेंट, ये जो आंसर होता है आपका कि आप क्यों विप्रो को चूज कर रहे हैं, ठीक है, व्हाई हैव यू चूजन आवर कंपनी, इसका आंसर जो होता है दैट इज सिमिलर टू योर वर्क प्लेस एनवायरमेंट, योर आइडियल वर्क प्लेस एनवायरमेंट। ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन कोई कंपनी नहीं करता है कि आपने हमारी कंपनी क्यों चूज की, तो ये क्वेश्चन भी करेगा कि डिफाइन योर आइडियल वर्क प्लेस। आइडियल वर्क प्लेस जो होता है आपका, वो आपको डिफाइन करना है रिगार्डिंग टू द कंपनी दैट यू आर चूजिंग टू अप्लाई, ठीक है। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देंगे कि ये मेरा वर्क प्लेस, मतलब जो भी आइडियल वर्क प्लेस है वो इस तरह है उस तरह से, वैसे नहीं। जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिस कंपनी के लिए वो फेमस है, वो चीज इंक्लूड करना जरूरी है। दैट मीन्स ये चीज क्या शो करती है ये क्वेश्चंस, कि आपने कंपनी के बारे में रिसर्च किया है एंड यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द कंपनी इटसेल्फ। आपको सिर्फ अपना मुनाफा नहीं चाहिए, अपना काम नहीं बनाना है उनसे, आप कंपनी के प्रॉफिट और टर्नओवर से भी इफेक्ट होंगे आप, ठीक है। अगर टर्नओवर नहीं हो रहा है ज्यादा तो योर इट इज योर लॉस, यू विल टेक इट पर्सनली। अगर टर्नओवर ज्यादा हो रहा है देन यू आर अ टीम मेंबर, ठीक है, आपको खुशी होगी दैट माई कंपनी इज ग्रोइंग, ठीक है। तो यू अगर आपका ये क्वेश्चन रहता है, अगर आपका ये क्वेश्चन रहता है कि why did you choose Wipro या फिर define your ideal workplace, ये दोनों क्वेश्चन को आपको इस हिसाब से आंसर करना है। नहीं नहीं, आइडियल आइडियल क्या होता है, आइडियल जो सबसे बेहतर, ठीक है, जैसे आइडियल रिलेशनशिप। आइडियल रिलेशनशिप मतलब क्या, एक आइडिया है कि ये जो चीज अगर होंगी रिलेशनशिप में तो वो आइडियल है, ठीक है। तो ये चीजें अगर वर्कप्लेस में होंगी तो वो आइडियल है, दैट इज योर थिंकिंग, बिकॉज यू आर फ्रेशर, यू डोंट नो व्हाट इज द एनवायरनमेंट फॉर वर्किंग, ठीक है। बट आपके दिमाग में कुछ तो आइडिया होगा ना कि वर्कप्लेस में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, हमको ऐसा ट्रीट करे, हमारा जो सीनियर है या हमारा जूनियर है या हमारा को वर्कर है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है, ये आइडिया आपके दिमाग में है। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ बोलनी नहीं है, आपको कंपनी को भी इंक्लूड करना है इसमें कि द कंपनी शुड प्रोवाइड अस दिस, ठीक है, मेरा पर्सनल ग्रोथ, मतलब कंपनी के ग्रोथ के साथ मेरा भी पर्सनल ग्रोथ हो, मेरा जितना स्किल सेट है उसको मैं यूज करके और डेवलप कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आपके आइडियल वर्क प्लेस में होनी चाहिए। अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं आता है आइडियल वर्क प्लेस का, तो आप विप्रो में व्हाई डू यू चूज विप्रो उसमें भी ये आंसर सेम डाल सकते हैं, ठीक है। That for my information, I have gathered this, 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 and I would like to work in that kind of environment. I would like to grow my skill set. इस type का आप पूरा डाल देंगे अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा buttering नहीं करने की ज़रूरत है, थोड़े facts भी रखिएगा। ये नहीं कि your company is पूरा गाथा गा देनी है, वो सब नहीं करना। Facts रखिए कि your company provides these things, and I would like to work in that kind of environment. Okay? Yes, Rahul. मैम अगर क्रॉस क्वेश्चन आया डिफाइन योरसेल्फ इन अ सिंगल वर्ड तो क्या बोलेंगे? डिफाइन योरसेल्फ इन अ सिंगल वर्ड, वो तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है बच्चे कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। आप हो सकता है अगर यू आर टेकिंग लाइक इनिशिएटिव्स तो आप लीडर हो सकते हैं। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेते हैं फिर भी आप जो लीडर है उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अच्छे टीम मेंबर हैं। या फिर आप उनको जो भी काम आपको दिया जा रहा है आप वो टाइम पे कंप्लीट करके अपना असाइनमेंट जो है वो दे दे रहे हैं, तो यू आर पंक्चुअल, यू आर हार्ड वर्किंग, वो सारी चीजें। यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ मतलब कि आपकी जो बेस्ट एस्पेक्ट है, ठीक है, आप जो सबसे अच्छा काम करते हैं वो चीज, वो वर्ड जो है जो आप काम करते हैं सबसे अच्छा वो आपको डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। Like if I teach the better, मेरे पास और कोई quality नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक teaching ऐसी quality है जो मैं सबसे अच्छी करती हूँ, तो I'm a teacher, right? I teach the best. तो वो आपकी quality है कि how you define yourself, वो आपको खुद में देखना है कि आपकी कौन सी ऐसी quality है जिसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। Like maybe somebody जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो already आपसे better हो, but in this fair जो यहाँ पर आपके candidates हैं, among them you are the best, वो quality आपको खुद में देखनी होगी। मैम लीडर के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? लीडरशिप एबिलिटी।
आई एम अ गुड लीडर यू कैन से, और यू कैन से आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है? क्या डाउट है बच्चे? व्हाई शुड आई हायर यू? व्हाई शुड वी हायर यू? जो भी अगर सिंगल रहेगा आपका इंटरव्यूअर तो वो व्हाई शुड आई हायर यू बोलेगा, अदरवाइज व्हाई शुड वी हायर यू इज ओके. वो हायर क्यों करेंगे आपको, इसके लिए देखिए बात यह है कि अगर आप वो सारे जो लिस्ट हैं क्वालिटी, लिस्ट ऑफ क्वालिटीज बोलते हैं नहीं वैसा तो नहीं बोल सकते, दैट इज टॉक बैक नहीं कर सकते आप उनसे, बट द थिंग इज कि इस, हाँ इसका आंसर आप वैसे नहीं करेंगे कि लाइक आई एम हार्ड वर्किंग, आई नो दिस, आई नो दैट, वैसा नहीं करेंगे, ठीक है? What qualities that you can provide, क्योंकि उनका basic मुद्दा यही है कि आप ही को क्यों select करें, आपके बजाय किसी और को क्यों नहीं select करें? तो आपके जो best aspect है, ठीक है? अगर आप learn, मान लीजिए आप fresher हैं, ठीक है? तो आपका best quality अभी यही है कि that you have patience to learn and do their work, right? आपके पास इतना patience है कि आप काम को सीखेंगे, काम को सीखने के बाद आप काम करेंगे और जो काम सिखाया जाए आप उस हिसाब से अच्छे से करके उनको दे देंगे, राइट? दिस इज योर बेस्ट क्वालिटी एज अ स्टूडेंट. अगर आप अच्छे स्टूडेंट है तो आपके सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है कि आप सीख सकते हैं अच्छे से, राइट? तो आपको यही चीज उसको दिखानी है. अगर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि वी आर ईगर टू लर्न समथिंग, ठीक है, सिंस वी आर फ्रेशर वी वॉन्ट अ बंडल ऑफ एक्सपीरियंस टू वर्क इन अ रियल वर्ल्ड प्लेस, ठीक है, एंड वी वुड लाइक टू learn different qualities that I'm very sure that your company would provide. This is the format. You will answer this question. ठीक है? Any doubt in this? और किसी को? हाँ, salary expectation. देखिए, salary expectation में दो चीजों में आपको ध्यान देना है, ठीक है? Yes. अगर वो आपसे पूछ रहा है इसलिए है क्योंकि आपके क्या एक्सपेक्टेशन है सैलरी से, ठीक है? आप नहीं, ये पूछता उनसे है जो एक्सपीरियंस रहते हैं, ठीक है, या फिर ऑफ कैंपस देते हैं. कैंपस प्लेसमेंट में ये क्वेश्चन मतलब अधिकतर नहीं पूछता है, बट फिर भी अगर पूछ ले तो सैलरी एक्सपेक्टेशन आपको इस हिसाब से बोलनी है. पहली बात तो सैलरी मेंशन है आपकी, ठीक है, तो अगर आप उससे सैटिस्फाइड हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आप उससे ज्यादा नहीं मतलब आपको उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप वही कहेंगे कि आई एम वेरी लाइक कंफर्टेबल विद द सैलरी दैट यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, इतना अमाउंट, ठीक है. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, लाइक से समवन हु इज बिलोंगिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, उनको सैलरी की जरूरत है, देन दे कैन मेंशन कि यस आई वुड लाइक टू हैव अ लिटिल इंक्रीज, ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग राइट नाउ आई वुड लाइक कि आप कुछ दिन में आफ्टर सम टाइम यू कैन इवेलुएट माई वर्क एंड गिव मी एन इंक्रीमेंट, ठीक है, ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू एन इंक्रीमेंट, ठीक है, अगर आपका जो सैलरी है उसमें आप इंक्रीमेंट चाहते हैं तो या तो आप मांग सकते हैं सीधे, या फिर आप क्या ऑफर करेंगे कि आप मेरा काम 2-3 महीने बाद आप मेरा इवैल्यूएट कर लीजिए काम, उसके बाद इंक्रीमेंट कर लीजिए, ओके? हमें नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा, रिलेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव इंपैक्ट क्यों देगा? इफ यू नीड मनी देन व्हाट इज द नेगेटिव इंपैक्ट? आपको जरूरत है घर पे, वही तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि इफ यू बिकम द सोल मेंबर ऑफ योर फैमिली फॉर अर्निंग, तो इसमें क्या गलत है कि आप मांग रहे हैं पैसा उसमें? और मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि आप 2-3 लाख मांग लीजिए, जो सैलरी एक्सपेक्ट आपको दिया जा रहा है उस, हाँ, आपको जो सैलरी दिया जा रहा है, मान लीजिए 15 दिया जा रहा है, तो आप 20 तक जा सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कि यस आई वुड लाइक एन इंक्रीमेंट हाइक फॉर दैट, उसमें कोई गलत नहीं है. मतलब आप वो रेंज आपको पता होना चाहिए कि कितना ऊपर जाना है, ठीक है, उतना तक रखिए बस, वो उसमें कोई गलत नहीं है कि इफ यू आर सेइंग समथिंग लाइक दैट. ओके मैम, ओके, एनी मोर डाउट्स? पूछ लीजिए बच्चे जो कुछ. हाँ, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी,
ठीक है, तो इसमें आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? कभी भी ये आंसर मत करना कि आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है? डू नॉट आंसर लाइक दैट, ठीक है? क्वेश्चन हमेशा रेडी रखना, या तो आप उसी टाइम जो इंटरव्यूअर बोल रहा है, जैसे आपका इंटरव्यू चलते जा रहा है, अगर उस टाइम आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ देना, बिकॉज एवरी टाइम ये दिमाग में रखना कि जब भी आप इंटरव्यू के दौरान जा रहे हैं, उस टाइम जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये आपका मेंटल जो है कैपेबिलिटी है, वो इंटरनल वर्क है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इफ यू हैव अ क्वेश्चन तो जरूर आप उससे पूछिए। अगर नहीं है तो पहले से प्रिपेयर करके रखिए कि इफ माई इंटरव्यूअर आस्क दिस क्वेश्चन, तो ये पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि आप सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि जो इंटरव्यूअर है, ठीक है, हाउ वॉज देयर एक्सपीरियंस इन वर्किंग फॉर विप्रो, ठीक है? आप ये एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है विप्रो में वर्क करने का, या फिर आप पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो सैलरी वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी, ठीक है? कि माय हाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन आफ्टर विच माय वर्क विल बी इवैल्यूएटेड एंड आई विल गेट एन इंक्रीमेंट, ठीक है? ये चीज आप पूछ सकते हैं, या फिर उनका ऐसा कुछ है कि वो प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो 7 दिन के लिए, अच्छा, नहीं तो देयर माइट बी लाइक उनका एक इंटरनल ये रहता है, कांटेक्ट रहता है कि वो आपको घर दिलवा सकते हैं, वो जो क्या उनको बोलते हैं डीलर्स, डीलर्स, यस, दे हैव देयर इंटरनल डीलर्स, दे कैन हेल्प यू विद द लाइक रेंट वाला रूम अपार्टमेंट ढूंढने के लिए, वो दे कैन हेल्प यू फॉर दैट, वो प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज दे हायर यू नो द नंबर दे हायर, एंड इफ दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग पीजी फॉर दैट, उनका तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। यस, सो नहीं बोलिए, अगर आपको लग रहा है कि ऑकवर्ड हो रहा है, यस, अगर ऐसा है तो मेंशन किया है तो फिर नहीं पूछेगा, ठीक है? तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, या फिर आप उनसे और भी क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं सैलरी वाला छोड़कर, ठीक है? सैलरी अगर मेंशन है, इंक्रीमेंट कैसे होगा तब मंथ मेंशन करिए, ठीक है? अगर देखिए जो इन्फॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, ठीक है, वही क्वेश्चन आपको करना है। अगर जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है वो क्वेश्चन आपने कर दिया, दैट मीन्स उनको ये लगेगा कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है? तो जो चीज जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है वो चीज तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है, ठीक है? उसके बारे में हाँ हो सकता है कि अगर कुछ डाउट है कि कोई क्वालिटीज या फिर कोई उन्होंने मेंशन किया कि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, उसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि दिस हैज बिन रिटन, ऐसा होगा या वैसा होगा, जो भी आपका डाउट है आप क्लियर आउट कर सकते हैं उसी दौरान। लेकिन अगर उसमें कोई चीज मेंशन है उसके बावजूद आप पूछ रहे हैं, दैट मींस यू हैवंट रेड दैट, तो वैसा नहीं करना। अगर कोई चीज मेंशन है तो आप ऑलरेडी मेंशन, नहीं बिल्कुल, जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो आपका ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप पर्सनल डिटेल मत पूछिए, बताइएगा। अगर आपका क्वालिफिकेशन वगैरह थोड़ा 1 मिनट तक चला जा रहा है, जो भी आप अपने बारे में बता रहे हैं वो पूरा लिख के रखिएगा, ठीक है? बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू आप वो आंसर जो है, आंसर्स हमेशा आप लिख के रखिए, प्रिपेयर्ड रखिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रहे कि ये आंसर करना है। उस टाइम नर्वसनेस अगर आएगी तो ये चीज हेल्प करेगी, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, यस, अगर आपका मान लीजिए कि वैसे तो एक क्वेश्चन इज इनफ, अगर आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यूअर से, तो ये क्वेश्चन भी इनफ है कि आपको उनका एक्सपीरियंस जानना है, दैट इज गुड, ठीक है? अगर ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ इज द वर्क एनवायरनमेंट इन विप्रो, ठीक है, वो आंसर नहीं करता है जनरली, वो आंसर नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज द इवैल्यूएशन दैट, I told you, read the job description very carefully, ठीक है? उसमें जो भी चीजें mention है गलती से भी नहीं पूछना, क्योंकि interviewer को साफ लगेगा कि आप,
हाँ तो विप्रो का जहाँ ऑफिस रहेगा वहीं तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा ना। हाँ तो उसमें जो आपको क्वेश्चन पूछना है उस हिसाब से पूछिएगा कि जो क्वेश्चन जो चीजें वहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है उसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मत पूछिएगा, डायरेक्टली मत पूछिएगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। यस राहुल क्या डाउट है बच्चे? हेलो यस यू आर ऑडिबल। मैम रिज्वाइन करना है मीटिंग में? नहीं नहीं बच्चे रिज्यूम मत करिएगा क्योंकि वो फिर टाइम अप हो ही जाता है उसमें, ठीक है। 9:30 में ही क्लास खत्म हो गई, 9:40 में वो 10 मिनट भी रह जाते हैं तो 10 मिनट में फिर जितना देर में आप ज्वाइन करेंगे उतना देर में मीटिंग खत्म करना पड़ेगा। 9:50 तक ही है ना मेरा क्लास, तो अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लो। यस हेलो मैम। यस यस वन मिनट मैम। हॉबी और डिफरेंस में क्या अंतर है? हॉबी और इंटरेस्ट मैम, इंटरेस्ट इंटरेस्ट में, हॉबी और इंटरेस्ट में ये अंतर है। देखिए हॉबी आप कोई भी काम तब करते हैं जब आप स्ट्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने बहुत सारा काम कर लिया, आप थक गए हैं, उसके बाद भी वो काम करने में आपको रिलैक्सेशन मिले, ठीक है। इंटरेस्ट वो होता है कि मान लीजिए कि आप खाली बैठे हुए हैं संडे को और वो काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर बुक रीडिंग है, ठीक है, तो बुक रीडिंग कुछ लोग अलग अलग रीजंस के लिए करते हैं, ठीक है। जब स्ट्रेस रहता है, ठीक है, तो वो नॉवेल्स पढ़ते हैं कि उनको मतलब एस्केप एक तरह से मिल जाए कि कैसे वो रियल वर्ल्ड से अलग हो जाए, ठीक है। संडे को अगर आप कोई बुक रीडिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, बहुत लोगों को जैसे हमारे डायरेक्टर सर को भी इंटरेस्ट है कि वो नई नई चीजें सीखते हैं, ठीक है, हर एक चीज वो उनको जो जाननी होती है, कोई टेक्निकल चीज हो गई, ठीक है। मान लीजिए मुझे अगर पाइथन जानना हो, ठीक है, और मुझे वो इंटरेस्ट है कि मैं पाइथन जानूं, पाइथन के बारे में जानूं, उसको कैसे प्रोग्रामिंग होता है, क्यों प्रोग्रामिंग उसका जाना जरूरी है, तो वो मेरा इंटरेस्ट हो गया, बट दैट इज नॉट माय हॉबी। माय हॉबी विल बी लाइक बुक रीडिंग व्हेन